नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश व्यास। कंप्यूटर डीजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 137 और एक्सेल के लेक्चर नंबर 22 में हम सीखने वाले हैं एक्सेल फॉर्मूलाज पार्ट 3। वो एक्सेल पार्ट 3 में हम क्या सीखने वाले, 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीखने वाले है। प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो ये जो 4 बेसिक क्रियाएं है मैथमेटिक्स की, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और आज मैं जो बताने वाला हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 या तो 19, 16 या तो 13 या 10, किसी में भी आप चला सकते हो। तो ये सेम ही प्रोसेस रहेगी। तो चलो दोस्तों आज एक्सेल 2019 में हम ये देखेंगे। बेसिक क्रिया रहती है, एक रहता है सम रहता है, दूसरी रहती है माइनस, तीसरी है मल्टीप्लाई करना और चौथी क्रिया रहती है डिवाइड करना। तो ये जो 4 बेसिक क्रिया है वो एक्सेल में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लेते हैं सम। देखो यहाँ पे 25 प्लस 85 का मुझे सम करना है। तो चलो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था वैल्यू वर्सेस रेफरेंस और स्टैटिक वैल्यू वर्सेस डायनेमिक वैल्यू। तो चलो दोस्तों दोनों तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू की ओर से। हम रेफरेंस का यूज नहीं करेंगे, हम वैल्यू का यूज करेंगे। फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल साइन लगाना कंपलसरी है। तो फॉर्मूला लगाने से पहले मैंने इक्वल साइन प्रेस किया और 25 प्लस 85 करना है तो 25 प्लस 85 इस तरह से मैं करके एंटर प्रेस करूंगा। देखो 25 प्लस 85 का सम 110 यहां पे आ गया। ये हमारा वैल्यू के बेस था, वैल्यू बेस, ये रेफरेंस बेस नहीं था, ये वैल्यू बेस हमने ये फॉर्मूला अप्लाई की है। चलो दूसरी चीज है माइनस करना। माइनस करेंगे यानी 98 माइनस 44। तो यहां सबसे पहले इक्वल साइन करेंगे, 98 माइनस 44 हमने प्रेस किया, 54 आ गया। अब तीसरी चीज है मल्टीप्लाई करना, 42 मल्टीप्लाई 19। सबसे पहले इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 19 एंटर प्रेस किया, 798 ये आंसर हुआ। अब चौथी चीज है 67 डिवाइड बाय 4। चलो सबसे पहले एक्स इक्वल प्रेस किया, 67 डिवाइड बाय 4 एंटर प्रेस किया, देखो ये 4 हो गया। तो आपने ये देखा ये चारों क्रिया को हम एक्सेल में कैसे करेंगे। लेकिन यहां पे हमने जो की है वो है वैल्यू बेस। अब हम रेफरेंस बेस जाएंगे। अब रेफरेंस बेस मुझे जाना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इक्वल प्रेस करूंगा, मुझे 25 प्लस 85 का सम करना है तो मैं क्या करूंगा, 25 कहां पर है, B2 में है, तो मुझे रेफरेंस देना है, सेल का एड्रेस देना है, ना कि मुझे यहां 25 लिखना है, मुझे रेफरेंस देना है ये। जैसे क्लिक करूंगा तो B2 यहां पे प्रेस हो जाएगा, प्लस 85 कहां पर है, D2 में है, तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो D2 वहां अपने आप लिख जाएगा, या तो मैं D2 लिख दूंगा, D2 लिख दिया, देखो सिलेक्ट हो गया। अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो भी यहां पे सम देखो आ गया 110 यानी 110 आ गया। तो इस तरह से ये दोनों सेम होगा। अब देखिए 98 माइनस 44 इक्वल प्रेस किया, 98 यहां पर है, फिर करेंगे माइनस, फिर करेंगे 44 एंटर प्रेस किया, 54 आ गया। अब तीसरी मल्टीप्लाई की बारी, इक्वल 42 का रेफरेंस मल्टीप्लाई 19 का रेफरेंस प्लस 798। अब चौथी क्रिया करने जा रहे हैं हम डिवाइड, 67 का रेफरेंस डिवाइड 4 का रेफरेंस, ओके B5 डिवाइड D5 एंटर प्रेस किया। चलो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने वैल्यू और रेफरेंस, ये देखो ये है वैल्यू और ये है रेफरेंस, ठीक है, ये रेफरेंस, ये दोनों के बीच हमने चलाया। बेनिफिट क्या रहेगा,
25 के जगह में अगर 34 करता हूं, एंटर प्रेस करूंगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन रेफरेंस बेस था तो चेंज हो गया। तो ये बेनिफिट रहता है वैल्यू वर्सेस रेफरेंस का, यानी कि हमें रेफरेंस यूज करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, ये जो मैथमेटिकल फॉर ऑपरेटिंग रहते ऑपरेटर रहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो आज हमने सीख लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास। गुड बाय।